श्री प्रीतम विद्या सिंह जी एमएलए शिमला ग्रामीण क्षेत्र से, अमित यादव जी जनरल सेक्रेटरी नेशनल यूथ कांग्रेस। मेरी सभी युवाओं से प्रार्थना है कि वो मंच के करीब आ जाएं। सारे युवा मंच के अभिनंदक पर मंच पे विराजमान आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अरविंदर सिंह जी, मुक्त साहित्य प्रकाश से श्री राजेंद्र राणा जी विधायक सुजानपुर क्षेत्र। लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि जनता ये जानती है कि आप एक बार किसी को ठग सकते हैं लेकिन बार बार के रखा। जिस व्यक्ति ने हम हमीरपुर के भोले भाले लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के अंदर फंसाया और हमें बोला, लेकिन सुजानपुर की जनता को आज इस मंच से सलाम करना चाहता हूं। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो मेरे हमीरपुर के लोगों का दुख दर्द को समझे, जो व्यक्ति हमने तो पूरा हिमाचल जो है जलंधर बसाण बनाने से बचाया है। आज उनके सुपुत्र माननीय सांसद हमारे बीच आ रहे हैं, 4 साल नहीं दिखे, किसी को दर्शन नहीं दिए, क्योंकि हाई प्रोफाइल है, सेलिब्रिटी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर बड़े बड़े आपके अभिषेक राणा जी उसके बारे में आपको बताएंगे कि वो मुद्दा क्या है। आज आरटीआई के ऊपर इन लोगों ने सवाल खड़े कर दिए, कहा कि आरटीआई सही नहीं है। तमाम माताओं से, बहनों से, नौजवानों से ये लोकसभा का चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी इस हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से जो है जीतकर दिल्ली जाएगा और हम लोगों की आवाज जो है दिल्ली तक पहुंचाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। मैं अदब के साथ मंच पे बुलाना चाहूंगा युवा संपर्क विंग के संस्थापक। ये वीरों का इलाका है, यहां से हजारों लाखों सैनिक हमारे धरती ने दिए हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश की बात करें, हमारे पूर्व वक्ता चुनाव की बात कर रहे थे, पार्टियों की बात कर रहे थे। 2017 में हिमाचल प्रदेश की राजनीति बदल गई है। हाल ही में चुनाव हुए, भले ही कांग्रेस पार्टी की हार हुई, जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन इस चुनाव में एक बात स्पष्ट हो गई, वो ये कि जो काम करेगा वोट उसी को मिलेंगे। कैंडिडेट उतरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सेवादार को, एक समाज सेवी को मौका मिला और हम सब युवाओं ने एक नारा दिया कि जो काम करेगा वोट उसे मिलेंगे। एक तरफ है काम और दूसरी तरफ है बड़ा नाम। लोगों ने काम करने वाले व्यक्ति को वोट दिया, नाम वाले व्यक्ति को वोट नहीं दिया। आज का युवा क्या चाहता है? हम चाहते हैं कि अब हम पार्टीवाद, जातिवाद, इलाकावाद, इन सब चीजों से ऊपर उठें। हमारा प्रदेश, हमारा देश ये तरक्की कैसे करेगा? जब तक हम इन चीजों के ऊपर उलझे रहेंगे और कुछ नेता हमारे हमें इन चीजों के ऊपर भड़काते रहेंगे, तब तक हमारे इलाके का भला नहीं हो सकता। भगत सिंह की बात की जाए, चाहे महात्मा गांधी जी की बात की जाए, उन्होंने जो सपना देखा था हमारे देश के लिए, सोने की चिड़िया जिसे वो बनाना चाहते थे और जो पहले थी, उन्होंने लड़ाई लड़ी ताकि हम जैसे युवा, आप जैसे लोग आजादी की सांस ले सके और एक जो हमारा देश है वो सुपर पावर बने, आगे बढ़े। लेकिन आज कुछ लोग केंद्र में, ऐसे लोग आ गए हैं जो हमारे देश को दिन ब दिन पीछे खदेड़ते जा रहे हैं, मैं सबसे आगे है। आज भी नारा हमने दिया है कि जुमलेबाजी नहीं चलेगी,
ये जितने सारे युवा आए हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था मोदी सरकार ने, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया हर वर्ष, कितना रोजगार मिला कितना नहीं यह हम सब लोग जानते हैं। और आज जहां हमारा प्रदेश है, जहां पर 80% लोग पढ़े लिखे हैं, चाहे वो ITI होल्डर्स हैं, BTech की बात की जाए, ग्रेजुएट की बात की जाए, पोस्ट ग्रेजुएट की बात की जाए, और आज हमारे प्रधानमंत्री जिनका पूरा देश मार्गदर्शन लेना चाहता है, वो हमें ये सलाह दे रहे हैं कि जो पकौड़ा तल रहा है वो भी एक रोजगार है। मैं चाहता हूं हमारे माँ बाप ने लाखों करोड़ों रुपए, लाखों रुपए हजारों रुपए खर्च करे ताकि आप जैसे हम जैसे भाई पढ़ सके, नौकरी लग सके। आज हम लोग कहां जाएंगे, जो काले धन की बात करते थे कि हम बाहर से काला धन अपने देश में लेके आएंगे, कुछ ऐसे लुटेरे हमारे देश में बैठे रहे जो देश का धन लेकर बाहर चले गए, उनको रोकने में तो मोदी सरकार आगे नहीं आई। और जब काले धन की बात की गई तो इन्हीं के पार्टी अध्यक्ष ने कहना, इनका कहना है कि ये तो एक जुमला था, चुनावी जुमला था। तो आज बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कल को जब वो पूरे नहीं होंगे तो फिर से कहेंगे ये तो जुमला था, ये तो हमने ऐसे ही कह दिया था। प्रधानमंत्री जी को हमारे चौकीदार सोते रहे और करोड़ों अरबों रुपए लेकर यहां से चोर लुटेरे बाहर चले गए, और अब उन्हें बोल रहे हैं कि उन्हें वापस लेकर आओ, काला धन तो छोड़ो, जो हमारे पैसे थे वो भी ले गए। आज बैंकों में हमारे पैसे सेफ नहीं है तो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, उनके ऊपर कमेटी बनाई है, कार्रवाई होगी। करोड़ों रुपए लेके बाहर दौड़ गए हैं, अभी तक कार्रवाई चल रही है लेकिन नतीजा कुछ नहीं आ रहा। मैं एक नौजवान हूं, युवा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा प्रदेश है, मेरा इलाका है, वो आगे बढ़े, उन्नति करे, विकास की बात हो। हमारे इलाके से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट है। बड़े बड़े वादे कर रहे हैं विकास की, पीछे युवा कांग्रेस के माध्यम से हमने एक RTI डलवाई। उस RTI में हमने पूछा कि हमारे जो माननीय सम्माननीय सांसद जी हैं उन्होंने कितने गांव गोद लिए हैं जिले के अंदर और उसमें कितना पैसा लग गया है। तो RTI में एक लाइन में जवाब आया कि अभी तक 1 रुपए भी सांसद निधि से खर्च नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसार मैं झूठ बोल सकता हूं, मेरी पार्टी झूठ बोल सकती है, लेकिन सरकारी दस्तावेज से झूठ नहीं बोल सकते। अभी भी शर्म नहीं आ रही है, अखबारों में दे रहे हैं कि 60 लाख रुपए लग गया है। अड़ू पंचायत की बात करी हो, देला पंचायत की बात करी हो, करोड़ों रुपए लग गए हैं, लेकिन जब RTI डलवा रहे हैं तो उसमें 60 लाख तो दूर की बात, 60 पैसे भी निकल के नहीं आ रहे हैं। आते हैं मोदी 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 की बात करते रहते हैं, और जब उनसे विकास की बात की जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत विकास हो रहा है जी हमारे इलाके में, जो जो स्कीमें लेकर आ रहे हैं हम सारी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इतना काम हो गया है कि पूछो ही मत। हमारे सांसद जी ने ये योजना जो लेकर आए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठना, एक सेल्फी सेशन, बड़े बड़े सितारों के साथ रहना, ऐसी योजना वो हमारे प्रदेश में लेकर आए हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमें लीडर चाहिए कि जुमलेबाज चाहिए, हमें सेवक चाहिए या सेलिब्रिटी चाहिए, यह हम लोगों को तय करना है, बड़े बुजुर्गों को तय करना है, युवा शक्ति को तय करना है। 2017 में जिस तरह सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर युवाओं ने हवा का रुख बदला और पहली बार इतिहास में हुआ कि किसी पार्टी का CM उम्मीदवार हार गया हो और पार्टी सत्ता में आ गई हो, इसका कारण है कि ये लोग काम करने में समर्थ नहीं है। इनका मुख्यमंत्री दावेदार कभी नहीं हारता। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई है, लेकिन मुख्यमंत्री इसलिए हार गए हैं क्योंकि बड़े बड़े भाषण देती है भारतीय जनता पार्टी की, कार्यकर्ता जितने भी हैं बड़े बड़े भाषण देते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन काम जमीन पे कोई नहीं करते। फिर भी हम चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, विकास की ओर बढ़े। मैं संस्था भी चलाता हूं, युवाओं के साथ जुड़ा हूं,
तो हम भी एक मुहिम शुरू करने वाले हैं कि जितने युवा जो रोजगार की बात करते हैं, देखिए आरोप लगाना बहुत आसान है, काम करना बहुत कठिन। हम उन लोगों में से नहीं है जो बड़े बड़े भाषण देंगे और उसके बाद चले जाएंगे घर अपने अपने। हम काम करने वाले लोग हैं, जमीन पर उतर के काम करने में विश्वास रखते हैं। संस्था के माध्यम से जिस तरह पंजाब सरकार में भी रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्लेसमेंट सेल्स हैं, वो मदद कर रहे हैं, उनके साथ हमारी संस्था का भी बहुत अच्छा टाई अप है। तो जितने भी बेरोजगार युवा हैं जिनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, डिग्रीज हैं, उनकी डिग्री हम लेंगे, डेटा लेंगे और उनको नौकरी दिलवाने का एक प्रयास करेंगे। और फेसबुक पे आप देखेंगे कि आज से ही हमने वो मुहिम छेड़ी, आपको व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और आप मुझसे जब मर्जी संपर्क कर सकते हैं। ये मुहिम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। विकास बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं होता, सड़कों से नहीं होता है, विकास सोच से होता है। जब तक हम लोगों की, युवाओं की, इस प्रदेश की सोच आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक इन बड़ी बड़ी हाईवे से, सड़कों से, बिल्डिंगों से हमारा विकास नहीं होने वाला। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमसे बाद में आजाद हुए, आज कई गुना हमसे आगे हैं, क्योंकि उनकी सोच हमसे आगे है। हम भी चाहते हैं, हम भी युवा हैं कि हमारे प्रदेश की, हमारे लोगों की सोच आगे बढ़े, ताकि हम अपने प्रदेश को आगे ले जाएं। और मैं मानता हूं कि भारत हमारा देश है, लेकिन इस देश के अंदर सबसे नंबर वन अगर कोई प्रदेश बन सकता है वो हिमाचल प्रदेश बन सकता है, ये मेरा विश्वास है। ये उनके बिना सरकारें नहीं चल सकती, उनके बिना लोग नहीं चल सकते। मैं उनको एक सलाह देना चाहूंगा कि मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है, और मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड है। तो घमंड को दूर रखें और युवा साथियों से निवेदन है कि विश्वास के साथ आगे बढ़े। और अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो मेरे साथ नारा देंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। कंस्टिट्यूएंसी श्री अमरिंदर सिंह राजा जी। इसके बाद युवाओं के दिलों की धड़कन श्री विक्रमादित्य सिंह। कांग्रेस पार्टी के जो पुरुष है, जहां पे वो भी पीछे हट जाते हैं, वहां पे ये एक शेरनी की तरह आगे बढ़ के कांग्रेस पार्टी को जो है मजबूत करती है। तो मैं इनका भी यहां पे आई है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज जो ये कार्यक्रम यहां पे युवाओं के लिए रखा गया है, युवाओं के साथ साथ जितने हमारे समाज के और जो आज बुजुर्गवान महिलाएं आज यहां पर आई हैं, मैं आप लोगों का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और निश्चित तौर से आज अभी हम हमीरपुर की राजनीतिक समीकरणों की बात कर रहे थे और उस पर बहुत से पूर्व वक्ताओं ने उसके ऊपर प्रकाश भी डाला और कहा कि किस तरह से जो राजनीतिक समीकरण आज हमीरपुर के अंदर उभर कर आए हैं, आज पूरे हिमाचल प्रदेश की नजरें आप लोगों के ऊपर है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमें कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने के लिए और आगे जो हमारे लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं 2019 में, उसमें एक नई शुरुआत हमें जिला हमीरपुर से और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से करने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर से मेरा ये मानना है कि अगर हम आज से जमीन स्तर पे कार्य करने शुरुआत करेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो कांग्रेस पार्टी को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जीत की राख से रोक सकती है। मगर ये हमको भी इस चीज को देखने की आवश्यकता है। औरों के ऊपर कीचड़ उछाड़ना बहुत आसान होता है, औरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है। मुझे कुछ पंक्तियां गालिब की याद आ रही है कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ये हमको भी अपनी अंतरात्मा को ये मानते हुए ये इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है कि हर बारी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर
हर बारी अपने राजनीतिक पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पर उंगली उठाकर आप लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं कर सकते। आप लोगों को लोगों के बीच जाकर लोगों का समर्थन उनका विश्वास प्राप्त करने की आवश्यकता है। अभी हाल ही में जब विधानसभा के चुनाव पूर्ण हुए उसके बाद मुझे एक टीवी इंटरव्यू में जाने का डीडी के इंटरव्यू में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहां पे मुझसे पूछा गया कि आपने इन चुनावों में क्या सीखा, इन चुनावों में के जो परिणाम हिमाचल प्रदेश में आए हैं उससे आपने क्या सीख ली है। तो मैंने तो उनको एक ही बात की कि मोहतरमा जो हिमाचल प्रदेश के ये चुनाव हुए हैं इसमें कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, चाहे वो पक्ष की बात है चाहे वो प्रतिपक्ष की बात है, ऐसे लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों का इस्तेमाल करते रहे, ऐसे लोग जो घमंड में आकर जिन्होंने राजनीतिक रूप से लोगों का इस्तेमाल किया, आज हिमाचल प्रदेश की जनता ने उनको विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और एक नई आगाज हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हुआ है। एक नया मैसेज हिमाचल प्रदेश के अंदर गया है कि जो व्यक्ति जमीन स्तर से जुड़ा रहेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री है चाहे वो मंत्री है चाहे वो विधायक है, जो व्यक्ति जमीन स्तर से जुड़ा रहेगा उसका जनता का विश्वास जनता का समर्थन प्राप्त होगा और वही चुनावों में जो है सफलता की दहलीज पार कर सकता है। ये चीज हमें अपने मन में उतारने की आवश्यकता है और इसी मूल मंत्र के साथ आने वाले समय में काम करने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा पे मैं जरूर आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। आपने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा अभी जो विधानसभा का बजट सत्र हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है उसमें विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने दो महत्वपूर्ण मुद्दों पे विधानसभा से वॉकआउट किया है। एक मुद्दा सेक्शन 118 हिमाचल प्रदेश लैंड टेनेंसी एक्ट, इस मुद्दे को समझते नहीं है, मगर भाइयों और बहनों इस मुद्दे को आपको समझने की भी आवश्यकता है और इसकी गंभीरता को भी समझने की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने यह बात मुख्यमंत्री बनने के बाद कही कि हम हिमाचल प्रदेश के सेक्शन 118 को अमेंड कर उसमें संशोधन लाकर गैर हिमाचलियों को हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने की इजाजत आने वाले समय में देंगे। मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूं कि ये सेक्शन 118 हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत परमार जी की देन हिमाचल प्रदेश को है। उन्होंने ये सोच हिमाचल प्रदेश के अंदर लाई थी कि कोई भी गैर हिमाचली को जमीन खरीदने की इजाजत हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं मिलेगी। ये वही गांधी चौक है जहां से कोई भी राजनीति का आगाज किया जाता है और जब सेवा की है तो मित्रों आप जानते हैं अर्जुन राणा ने कभी किसी की जाति नहीं पूछी, किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी का मजहब नहीं पूछा और कभी किसी की पार्टी नहीं पूछी, जो आया उसकी इंसानियत के नाते सेवा करी है। सशक्त विपक्ष जो है विधानसभा में है, सरकार कहीं भी आपके हितों से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगी हम डट कर उसका विरोध करेंगे। जैसे कि हमारे छोटे भाई विक्रमादित्य जी ने कहा कि धारा 118 के साथ छेड़खानी करने की और सोचने की भी सरकार ने जब कोशिश करी हमने उसका पूरा जोर विरोध किया है और आपको भरोसा दिलाते हैं कि हिमाचल के हित और हिमाचल की जनता के साथ कांग्रेस के विधायक धोखा होने नहीं देंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अभी तो विधानसभा शुरू हुई है, अभी तो लंबा समय है, अभी तो सरकार को हम समय दे रहे हैं और सरकार भी कह रही है कि हमें 100 दिन का समय दीजिए। हमने कहा 100 नहीं, आपको 120 दिन देंगे, आप काम करिए। अगर सरकार जो है
प्रदेश हित में फैसले लेगी तो हम उसका समर्थन करेंगे, और कहीं विरोध में काम करेगी तो हम उसका डटकर विरोध भी करेंगे, उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ कहना पड़ रहा है कि चुनावों में हार जीत होती है, 2014 में हमने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, जनता ने अपना फतवा जारी किया और देश की जनता जो है वो जुमलों में और झूठे वायदों में नरेंद्र मोदी जी आए, झूठे सपने बेचे और लोग उनको खरीदते गए। कहा 15 लाख रुपए खाते में आएगा, जिसके परिवार में 5 या 6 मेंबर थे उसने सोचा 1.5 करोड़ रुपए आने वाला है, दे दो 6 वोट। और कहा कि विदेशों में अरबों रुपया पड़ा है, कांग्रेस ने बड़े लंबे समय तक शासन किया और काला धन जो है विदेशों में ले गए हैं। मित्रों, अब काला धन तो आया नहीं, जो सफेद था वो भी बाहर जा रहा है, सफेद को भी लूट के ले गए। और 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। अब 4 साल गुजर गए, आंकड़े बता रहे हैं कि 8.5 लाख नौजवानों को 4 वर्षों में रोजगार मिला है, जबकि रोजगार 8 करोड़ लोगों को मिलना चाहिए था। और जब रोजगार की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्थाएं हैं जहां चल रही हैं, वहां बाहर खड़े हो जाओ, पकौड़े तलो, रोजगार मिल जाएगा। मित्रों, चुनाव आने वाला है और हमारे पत्रकार साथी मुझे शिमला में भी पूछ रहे थे कि हमीरपुर में इस बार कौन चुनाव लड़ने वाला है। मैं कह भाई, चुनाव कोई भी लड़े, जिसको पार्टी तय करेगी वो चुनाव लड़ेगा। पर ये बात सच है कि इस बार हमीरपुर से सांसद जो है वो कांग्रेस पार्टी का होगा, ये सच है। और लोगों ने मन बनाया है, मुझे मैं देख रहा हूं जब से कांग्रेस पार्टी ने हिसाब मांगना शुरू किया है, मैं भी चुना हूं, विधायक हूं, और सुजानपुर की जनता जो है अरविंद राणा से हिसाब मांग सकती है कि आपको चुना था, आपने क्या किया। हमारे आदमी धूमल साहब ने सुजानपुर से चुनाव लड़ा और जब चुनाव लड़ा तो मैंने कहा कि इनको 10 वर्ष मिले हैं, 10 वर्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर 10 वर्षों में इन्होंने काम किया है और हमें 5 वर्ष जनता ने मौका दिया, 5 वर्ष में अगर काम ज्यादा हुए हैं तो मौका अरविंद राणा को मिलना चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए। अगर इन्होंने 10 वर्षों में ज्यादा काम किया है, हम इनको 10 वर्ष देते हैं, 5 का 5 से कोई तुलना नहीं। तो 10 वर्षों में इन्होंने काम किया है तो इनको आशीर्वाद दीजिए। राजा वीरभद्र जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और जब जब मैंने उनको बुलाया, मैं शिमला में गया और जो लिस्ट लेके गया कि मेरे सुजैनपुर की जनता ये चाहती है, मुझे बड़े फक्र के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने लिस्ट तक नहीं पढ़ी, कहते आप डेवलपमेंट के काम लेके आते हैं, मैं अभी करता हूं। लगभग 247 करोड़ रुपया जो है वो सुजैनपुर में राजा वीरभद्र जी के आशीर्वाद से स्वीकृत हुआ। जनता पार्टी के लोग उनसे डिमांडें तक नहीं रख पाए, मांग तक नहीं रख पाए और सुजैनपुर के लिए हाथ खड़ा के चले गए। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, चुनावों में हार भी होती है, जीत भी होती है। जब से सुजैनपुर में चुनाव हारे हैं, चुन चुनकर पुलिस के लोगों को दूर दराज सरमौर में और चंबा में भेजा जा रहा है, कहते उन्होंने वोटें नहीं डाली। हमारे अलग अलग विभागों के लोगों को बदला जा रहा है, और तो छोड़ो, जिनको 2.5 साल हुए अभी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लाईज हैं उनको भी बदला जा रहा है। और कल मेरे को बहुत सारे लोग मिले जो सबसे गरीब तबका है, जो मजदूर हैं, बेलदार हैं, चाहे आईपीएच में हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी में हैं, उनको भी चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। कहते इन्होंने तो अरविंद राणा को वोट डाले, इनको दूर दराज फेंको जाके। अरे कुछ काम तो इंसान को पॉलिटिक्स से हट कर भी करने चाहिए, इंसानियत भी होनी चाहिए। आप लोगों ने तो इंसानियत जो है इसको भी भूल गए। आपको हमारे परिवार से आने वाला जो चुनाव 2019 में है,
कहता हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इस बार 5 नहीं डालेंगे, आपको 50 डालेंगे जहां से कहेंगे। मैं कह रहा हूं आप छेड़खानी करिए, लोगों को तंग करिए, ज्यादा समय नहीं है, 2019 में जो जवाब दे देंगे। और अभिषेक राणा, इनके किसी साथी ने आईटीएम इन्फॉर्मेशन ली कि भाई आप कहते हैं कि अणु कला को गोद ले लिया है, तो गोद में मुझे लग रहा है कि बच्चा गोद से नहीं उतर रहा है। अरे 4 साल में तो बच्चा भी दौड़ना शुरू कर देता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है। आपका गोद लिया हुआ बच्चा जो है वो तो गोद से उतर ही नहीं रहा है। जब आरटीआई में इन्फॉर्मेशन आई, रोज अखबारों में छपता था इतने लाख रुपया, इतने पैसा अणु कला को दे दिया। हमने सोचा बहुत विकास हुआ होगा। जब आरटीआई में इन्फॉर्मेशन ली तो आरटीआई में जवाब आया कि इस गांव के लिए सांसद निधि से कोई पैसा नहीं दिया गया, शून्य। अब भड़क पड़े, अब लाल पीले हो रहे हैं कि भाई हमने तो बड़ा परी दे दिया। या तो आरटीआई का इन्फॉर्मेशन देने वाले अधिकारी गलत बोल रहे हैं, सरकारी तंत्र गलत बोल रहा है, या फिर आप गलत बोल रहे हैं। इसलिए अब जो है तिलमिलाहट हो रही है। मैंने कहा है कि भाई ये जो सेलिब्रिटी हैं ये नहीं चलेंगे, अब मोदी वाले जुमले भी नहीं चलेंगे। पिछली बार तो मोदी के जुमलों ने लोगों को जता दिया, पता नहीं देश में कौन से अच्छे दिन आने वाले हैं। ये हमारी बहनें इधर बैठी हैं, 400 रुपए से कम सिलेंडर इनको मिलता था, आजकल मैं जाता हूं गांव में पूछता हूं सिलेंडर कितने का मिल रहा है, कहते जी 800 पार कर गया, 800 पार कर गया। अच्छे दिन आ गए हमीरपुर पार्लियामेंट से, क्योंकि हमीरपुर की गारंटी हम ले रहे हैं। हमीरपुर में जो है सांसद आपका होगा, कांग्रेस का होगा, जो आपकी सेवा करे। आजकल थोड़ी फड़फड़ाहट ज्यादा हो रही है, और जब चुनाव लड़ना था तो बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी, स्टेजों पर भाषण दिए जा रहे थे, कहते आप हमारी सरकार बनाओ, जल्दी हम हमीरपुर के लिए ट्रेन लेके आएंगे। मेरे साथी ने ठीक कहा कि जब मुझे विधायक बनाया सुजैनपुर की जनता ने, विधायक बनने के एक महीने के तुरंत बाद में चंडीगढ़ में पवन बंसल जी जो थे रेलवे मंत्री थे उनसे मिला, 200 आदमी साथ लेके गया। मैंने कहा मैंने सुजैनपुर तक हमें ट्रेन चाहिए, हमारा क्षेत्र फौजियों का है, जब फौज से आते हैं तो ऊना जो है उतरते हैं और आगे अपना ट्रंक जो उसको उठा के बस में बैठते हैं। तो बंसल साहब मुझे पूछने लगे, कहते जी पहाड़ी क्षेत्र है, आपके सुजैनपुर तक ट्रेन कैसे पहुंचेगी। मैंने कहा सरकार जो है जम्मू से कश्मीर तक जो है टनल खोद के जो है ट्रेन पहुंचा सकती है, तो सुजैनपुर तो प्लेन इलाका है, ज्यादा पहाड़ी नहीं है। एक दिन मैंने बरसात पर देख रहा था, बच्चे ट्रेन में बैठे हैं, टायर नीचे लगे हैं और सीटी बजती आ रही है, कहते ट्रेन आ गई हमीरपुर पहुंच गई, और हर बार झूठ बोल रहे हैं। और ठीक है, मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि सांसद एक रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है, जो व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल सकता है, तो भाई आपको तो कोई हल्फनामा नहीं दिया है जितना मर्जी झूठ बोलो। वो हमीरपुर के लिए ऊना से हमीरपुर के लिए रेल लाइन के लिए स्वीकृत हो गया, जब हम पेपर देखे हमने नेट पर चेक किया तो कोई पैसा नहीं, और जब मेरी स्टेटमेंट छपी तो उसके बाद कहने लगे नहीं नहीं गलती से स्टेटमेंट दे दी थी। अरे कब तक झूठ बोलोगे। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप आए हैं और जिंदर राणा जी को आपने जिताने का जब काम किया तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं सुजानपुर के लोगों के, हमीरपुर के उन वीर योद्धाओं के दर्शन करके रहूं जिन्होंने इतनी बड़ी जीत देकर रजिंदर राणा जी को अपना विधायक बनाया। वीर योद्धे मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक तरफ भाजपा धूमर जी के नाम पर प्रदेश में वोटें लेने का काम कर रही थी और सरकार बनाने का काम कर रही थी, और दूसरी तरफ आपने एक साधारण व्यक्ति को एक बड़ी ताकत के सामने, एक आम साधारण व्यक्ति को आपने जिताकर ये मिसाल कायम की कि हिमाचल के लोग
ईमान के लोग हैं, हिमाचल के लोग कैनी और कथनी के पक्के हैं, हिमाचल के लोग ताकतों के सामने झुकते नहीं हैं, वो खड़े होकर उन लोगों का साथ देते हैं जो ईमानदार होते हैं, जो जनता के बीच रहते हैं। ये आपने आज सबूत दिया है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके चरणों के नीचे पड़ी मिट्टी को मैं नमन करता हूं कि धन्य हो आप लोग, एक मुख्यमंत्री के मुकाबले में ऐसे व्यक्ति को जिताना एक छोटी बात नहीं। आपकी 10 पुश्तें, आपकी 10 पुश्तें अगर सुजानपुर के लोगों की जूते साफ करते रहे तो आप उनका आसान कभी चुका नहीं सकते। इसके बाद भले आपको कुछ बनाए नहीं बनाए, लेकिन जो बड़ा आसान सुजानपुर की जनता ने आपके ऊपर किया है, ये सारी जिंदगी सोचने और निभाने वाली बात है। लेकिन आपको यह भी कहना चाहता हूं, कईयों के मन में यह होगा कि अगर धूमल जी बनते तो शायद तरक्की होती, शायद मुख्यमंत्री हमारे एरिए से होता तो पता नहीं क्या क्या होता। ये वहम की बात है। 10 साल आपके यहां से मुख्यमंत्री रहे, फिर ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आया प्रदेश में और आपके हरमीरपुर में। अगर तीसरी बार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री धूमल बन जाते तो ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आना था। देश के प्रधानमंत्री बन गए, आपने परिवर्तन देखा। नरेंद्र मोदी जी बने, कोई परिवर्तन देखा। और 10 साल में अगर तीसरी बार धूमल जी बनते तो कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि धूमल जी के मन में खोट है। तीन बार उनके बेटे को जिताया आपने, देश की लोकसभा में पहुंचाने का काम किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के। मैं एक साधारण किसान का बेटा हूं, मेरा बाप मुख्यमंत्री नहीं रहा है। मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष है। कभी नहीं देखा कि किसानों के हकों की लड़ाई लड़ते किसी पुलिस से लाठीचार्ज हुआ हो, कभी नहीं देखा कहीं पानी की बुछाड़े खाई हो, कभी नहीं देखा कि आपका संसद कहीं पर भूख हड़ताल पर बैठा किसानों की लड़ाई लड़ रहा हो जब देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, ये देखा कि सलमान खान के साथ फोटो आ रही, एक हेलो मैगजीन है, वो बड़ा महंगा मैगजीन है, जरा खरीद कर, मेरी आपसे गुजारिश है राणा साहब और अभिषेक राणा जी, बड़ा महंगा है और बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें आती हैं, बड़े लोगों की उसमें। इंडिया टुडे जैसा मैगजीन नहीं है, हेलो मैगजीन है। हाँ, बुजुर्गों को दिखाना वो मैगजीन, लेकर आओ और बांटो, बड़े उद्योगपतियों की और उनकी औरतों की और उनके बच्चों की तस्वीरें आती हैं, पर दिखाया जाता है कि वो जूते 50,000 के पहनता है, तो 5 लाख की घड़ी पहनता है, उसकी घरवाली इतनी महंगी साड़ी पहनती है। ये तमाम चीजों के बारे में वो बड़े लोग खरीदते हैं वो मैगजीन, उसमें आपके हमीरपुर के साधारण व्यक्ति जो धूमल जी के बेटे हैं उसकी फोटो आई है। गया है कि कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं। यहाँ आकर हिमाचली लाल रंग की टोपी डालकर कहते हैं हम हिमाचली हैं। और चिंता मत करो, मेरे ताया जान को तो राणा जी ने घर बिठा दिया है। ताया जान मैंने कहा है, धूमल जी तो उनका तो काम कर दिया है, और छोटे मेरे भाई जान का मुकम्मल काम, और मैंने सुना है वो फिल्म बना रहे हैं पत्रकार साथी। पक्के तौर पर फिल्मी दुनिया में चले जाएंगे। मैंने किसी से पूछा, हेलो मैगजीन में विक्रमादित्य की फोटो तो नहीं आई? उन्होंने कहा ये राजा वीरभद्र सिंह का बेटा है, जिसको लोग कहते हैं कि राजा नहीं फकीर है, हिमाचल की तकदीर है, ये देश के और हिमाचल के लोगों की सेवा करनी चाहते हैं।
ये 6 बार मुख्यमंत्री बने, वो 2 बार बने हेलो मैगजीन में आ गए। इन्होंने जनता की सेवा करनी है, उन्होंने फिल्म स्टारों के साथ अपनी फिल्म बनानी, जा मजे ले लो जा सेवा कर लो, दो ही काम है। पक्के तौर पर 2019 में इसलिए हेलो मैगजीन में बंदा आता है कि मैं फिल्म में काम करूंगा, पक्के तौर पर कह दिया धूमल साहब ने, बेटा अब अपना काम संभालो, दिल्ली तो तू रहता ही है, अब बॉम्बे चला जा, बॉम्बे चला जा। ये कहां से पता नहीं आए राणा और ये मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह ने पता नहीं कहां से भेज दिया, मकम्मल बोरी बिस्तरा गोल कर दिया है। और आने वाले दिनों में 2019 में आप अपेक्षा मत करो कि आपको आपको अपना संसद यहां मिले। आज के बाद 2019 में नई फिल्म आएगी, उसमें संसद देखना आपका, वही प्रदर्शन किया करो, आपका नाम बॉम्बे में भी बड़ा होगा, सुजानपुर में तो ये संभाल लेंगे आपके रजिंदर राणा जी। मैं भी 2 बार का विधायक हूँ, बादल मेरे बगल से लड़ता है, पहले मेरी विधानसभा से बादल लड़ता था, 47 साल बाद मैं वो सीट जीता हूँ, पिछली बार 19,000 से। धूमल जी क्यों हारे? क्या उनके पास धन दौलत की कमी थी? क्या उनके पास ताकत की कमी थी? नहीं। क्या किसी चीज की कमी थी? धूमल चुनाव क्यों हारा कोई बता सकता है? कोई हाथ खड़ा करके बताए, आप यहां के रहने वाले हो, धूमल चुनाव क्यों हारा? ये मत कहो राणा साहब कि आपने डेवलपमेंट कराया, राजा वीरभद्र सिंह जी ने पूरे देश प्रदेश में डेवलपमेंट कराया और आप ने यहां पर 250 करोड़ लगाने का काम किया, आपको बधाई हो, लेकिन धूमल ने भी लगाए होंगे पैसे, क्यों हारे बताओ? बताओ भैया क्यों हारे? सब नहीं बन सकते, लेकिन हाँ मुख्यमंत्री कम मिला करते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं। और बताइए, सुनो क्या हुआ, मैं कहना चाहता हूं। राणा साहब ने कहा कि राजा वीरभद्र सिंह आज यहां से लड़े, वहां से लड़े, वहां से लड़े, वहां से लड़े, और बेटा पहली बार लड़ा वो भी जीत गया। लेकिन धूमल साहब ये कहा कि आने वाले मुख्यमंत्री होंगे, फिर भी चुनाव हारे क्यों? ये मैं घर बैठा सोचता हूं क्यों हारा। जिसके मन में धोखा हो, फ्रॉड हो, छल कपट हो, उसको भगवान आखिर वाली सीढ़ी से नीचे गिराता है। सारी उम्र सपने में राजा वीरभद्र सिंह और राणा आएंगे, कारण क्या? कारण क्या सुनो, रात को पूछ लेना, उनके नौकर से पूछ लेना, किसी काम करने वाले से जो चाय पिलाता है, कि राजा धूमल साहब पूरा सोते 4 बजे उठ के लॉन में चक्कर निकाल रहे होंगे, पक्का पक्का। क्योंकि एक छोटा सा आदमी जब दर्द देता है तो उसकी चुभन बहुत होती है। मेरे को पता है कि क्या गलती धूमल साहब ने की और क्यों ये सहना पड़ा। गलती ये क्या की, हिमाचल की बेटी की शादी हो रही थी, हिमाचल की बेटी की शादी हो रही थी, कहते हैं कि दुश्मन कन्या दान करने जाए उसके काम में विघ्न मत डालो, भगवान को मंजूर नहीं है। हिमाचल की बेटी की शादी हो रही थी, राजा वीरभद्र सिंह कन्या दान करने जा रहे थे, धूमल के मन में लालच आया कि जल्दी राजा वीरभद्र सिंह को सलाखों के पीछे धोखे से भेजू और उस कुर्सी पर जा बैठू। राजा वीरभद्र सिंह आज भी कायम है और तेरी कुर्सी की टांगे धूमल टूट गई है। तूने तूने हिमाचल की बेटी का अपमान किया है, चाहे दुश्मन की बेटी हो कभी मत करना राणा साहब। और राजा विक्रमादित्य सिंह, चाहे दुश्मन की बेटी की शादी हो रही हो, उसमें मोदी को कहकर सीबीआई डालकर पुलिस भेजकर 6 करोड़ रुपए का इल्जाम लगाकर जो 6 बार मुख्यमंत्री रहा हो,
6 करोड़ तो एक एमएलए बनाता है। मुख्यमंत्री अगर कहते कि 600 करोड़ बनाया है तो मैं तेरी बात पर बात करता। ऐसे 6 करोड़ तो राजा वीरभद्र सिंह के पूर्वजों ने और खुद ने अनेकों लोगों में बांटने का काम किया। उस राजा वीरभद्र सिंह के परिवार पर तूने वो इल्जाम और शादी वाले दिन लगाया एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए, इसलिए तेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी की चारों टांगे टूट गई, चारों टांगे। में सफाई है वो व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है, ये कारण बना और यही कारण बनेगा कि बेटा फिल्में बनाया करेगा, क्योंकि समय की बात है चाचा, अब समय पलट चुका है और अंदर से मित्रों भी यही चाहता था। मित्रों समझे, राणा साहब आप भी मित्रों बोल रहे थे यार, ऐसा मत करा करो भाई, मित्रों तो एक ही आदमी बोलता है। मित्रों भाई और बहनों, मित्रों एक ही आदमी बोलता है। महिलाएं देखता इतना चालू आदमी है, जब कहीं देखता है कि महिलाएं बैठी हैं, ज्यादा बैठी हैं, तो बोलता है मित्रों महिलाओं का सम्मान करो, देश की महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश तरक्की करेगा। भैया पुलिस वाले मित्रों को मत दिखा देना, ले लेना। सुनो तो मित्रों महिलाओं को कहता है, ऐसे बोलता है लेकिन मुंह में कहता है अपनी महिला का सम्मान मत करो दूसरे की। चालू आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। भाई और बहनों, मित्रों मैंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, पाकिस्तान को धूल चुटा दी। अरे दिन में तो किसी कोई अटैक नहीं करता, रात को कितने फौजी मारा तू कहता रात को ही नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, एक अटैक कर दिया जो दुश्मन के ठिकाने थे नष्ट कर दिए। और ये मीडिया वाले तमाम साथी इन्होंने भी दिखा दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, दिन में तो किसी ने देखा नहीं, रात को कौन से फौजी और ठिकाने मार दिए ये किसी को पता नहीं। तो इस मित्रों की बात पे विश्वास मत करना, ये मित्रों ये बहुत खतरनाक और भयंकर आदमी और मगेम्बो, हाँ अमित शाह का नाम मैंने रखा मगेम्बो। मित्रों और मगेम्बो रात को राय करते हैं कि किसको ठोकना है। मित्रों और मगेम्बो का टाइम आता जा रहा है, मेरी बात याद रखना, चिंता मत करो कि हिमाचल हार गए त्रिपुरा हार गए, क्योंकि मित्रों और मगेम्बो के पास पुलिस है, सीबीआई है, पैसा है, धन दौलत है। एक जगह पर चुनाव होते हैं तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जब पूरे देश में चुनाव होंगे और मित्रों और मगेम्बो की दुकान 2019 में मुकम्मल बंद हो जाएगी, क्योंकि एक भी व्यक्ति मित्रों और मगेम्बो से कुछ नहीं है, ये मगेम्बो के बेटे ने, इनकी तो इंक्वायरी कर दी, ये मगेम्बो के बेटे ने 80,000 की कंपनी को, 50,000 की कंपनी को, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पत्रकार साथ ही उठ के सवाल कर सकते हैं, 50,000 की कंपनी को 1.5 साल में 80 करोड़ की कंपनी बना दिया। क्या मगेम्बो के बेटे को पता पकड़ा, क्या इंक्वायरी की, नहीं की। गुजरात में जीतने का कारण, सूरत में इनकम टैक्स के नोट बिठा दिए, कहा कि अगर एक कपड़ा और डायमंड व्यापारी कांग्रेस को वोट डालेगा तो हमारी कुंडली हमारे पास है, तुम्हारी कुंडली हमारे पास है, हम इनकम टैक्स के अधिकारी आपके घर में भेज देंगे। तो व्यापारी बदल गए, इसलिए वहां पर हम 6-7 सीटों से हम चुनाव हार गए। अगर गुजरात में मित्रों का ये हाल है, पूरे देश में देखना ऐसी हवा चलेगी, मित्रों और मगेम्बो कहीं मिलेंगे नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं। लेकिन अपना सामान ही नहीं है, ना दुकान है ना सामान है, अगर बंद कर दिया तो ये
है ना, टिक्के को अपना दोस्त और छोटा भाई बनाया हुआ है। कोई सेब का बगीचा पुराना पड़ा हुआ राजा साहब से ले लेंगे, उसकी देखभाल कर लिया करेंगे। तो मेरी बात याद रखना, मत सोचो कि आपने धूमल को हराया और शायद कोई तरक्की में विघ्न पड़ा है, ऐसा नहीं। इनमें मन में धोखा था, तरक्की करेंगे। राजेंद्र राणा जी आपके यहां के, लड़ाई लड़ेंगे। जिनको इतनी बड़ी जीत हासिल हुई हो वो रात को सोता नहीं है। मैं सोता नहीं हूं, मैं 5 घंटे सोता हूं। मैं सोता नहीं हूं क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे को अपनी देव, जिन्हों जनता ने 47 साल बाद राजा तेरे को दूसरी बार जिताने का काम किया, बादल के जिले में, बादल के घर में विक्रमादित्य जी वहां पर गए हुए हैं, उनकी सेवा करनी है, उन बुजुर्गों की सेवा करनी है, उनके जूते उठाने हैं, उन माताओं की सेवा करनी है। तो आप चिंता मत करो, जहां तक धारा 118 ये 5 साल बाद बदलाव करते हैं, दूसरी सरकार को हमेशा देखते हैं, सरकारें आती रही जाती रही लेकिन धारा 118 को तोड़ने की किसी ने कोशिश नहीं की। मित्रों के जो दोस्त हैं बड़े बड़े उद्योगपति राहुल गांधी कहते हैं सूट बूट की सरकार, अडानी और अंबानी की सरकार, ये अब नीरव मोदी की सरकार, 11,000 करोड़ रुपए का घपला यार, सारा हिमाचल को अगर दे देता आप करोड़पति हो जाते। वो ताई सोच रही है हाँ मजो आ जाता। बहू अपने घर वाले को, नहीं नहीं इस बार तो हम छोड़ो राना बाना को, छोटे की शादी कर लेंगे, 15 आएगा, ढूंढ रही है 15। अब कह रही है नीरव मोदी आएगा, करोड़ों रुपया आएगा वापस। अब बोलेगा नीरव मोदी को पकड़ के लाऊंगा। एक नीरव मोदी नहीं, एक ललित मोदी गया था राजस्थान वाला, एक किंगफिशर वाला विजय माल्या गया था कर्नाटका वाला, सब इसके राज में क्यों भागते हैं जरा सोचो। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी हमारे ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, पूंजी स्कैम, 2 लाख करोड़ रुपए का घपला सुना होगा, हमारे ऊपर लगा, हमारे आदमियों के ऊपर लगा। हमने पकड़कर गले से राहुल गांधी और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार में सीबीआई से पकड़कर अंदर देने का काम किया, अंदर दिया ये राजा को। अब पता चला हमने नुकसान झेला, हमारी सरकार होती हम नहीं पकड़ते, 15 दिन बाद लोग चिल्ला के बंद हो जाते, लेकिन हमारी सरकार ने उन लोगों को अंदर किया जिनके ऊपर इल्जाम लगे। आज कुछ सालों बाद पता चला कि 2G स्कैम, 2 लाख करोड़ का घपला, अदालत ने कहा है कोई घपला नहीं था, बाइज्जत बरी किया गया है सरकार को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, लेकिन हमने जब इल्जाम लगे पकड़ के अंदर दिया। सुरेश कलमारी पर इल्जाम लगे, कॉमनवेल्थ वाला जो घपला था हमने पकड़ के अंदर दिया। अब हम बोलते हैं जयशाह पर इल्जाम है पकड़ो, ललित मोदी को ये विदेश भेज देता है। हमने कहा मुंडे की बेटी पर इल्जाम है चिक्की स्कैम का, हमने कहा मुख्यमंत्री शिवराज चौहान मध्य प्रदेश पर इल्जाम है व्यापम स्कैम का, हमने कहा पीडीएस के चावल का इल्जाम है छत्तीसगढ़ के रमन सिंह के ऊपर, हमने कहा रेफल घोटाला जहाजों का घोटाला, हमने जहाज खरीदे नहीं, आपने कहा घोटाला किया है, आपने जहाज हमारे से कई गुना महंगे खरीदे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बोल नहीं रहा है क्योंकि देश की जनता समझती है जो जेल जाए जिसके ऊपर मुकदमा चले वो चोर होता है, ये आपकी समझ है नहीं, मुकदमे झूठे भी चलाए जाते हैं। कांग्रेस ने कहा कि जिसके ऊपर इल्जाम लगा है उसको सफाई जनता को देनी होगी, अपनी सरकार ने अपने अफसरों से पकड़ के अंदर देने का काम किया, लेकिन अब 2G ने ए राजा बाई जग बरी होके आया है। धूमल जी सुजानपुर और हमीरपुर से लड़ेंगे नहीं, जो मेरे को लगता है जिस तरीके का बात बताते कहते मेरे को धोखा दिया सुजानपुर की दुनिया,
जनता ने, अरे भाई आपने धोखा दिया, आपको दो बार मुख्यमंत्री बना दिया, फिर कुछ नहीं किया, एक बार हरा दिया तो जनता बेकार है, जनता धोखेबाज है। आप बेटे ने वादे किए थे सेवा करेंगे, आपके साथ चलेंगे, लूट कर खा गए आप लोग। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मजबूती से आपने आने वाले दिनों में इनको चलता करना है। और अभिषेक राणा भी नया नौजवान साथी है, जो विक्रमादित्य का छोटा भाई है, उसके कंधे के साथ कंधा मिलाकर, उसके पांव के पीछे कदम रखकर चल रहा है। और मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में ये लड़का भी कुछ ना कुछ राणा जी की तरह करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं यूनिवर्सिटी लेवल से उनको। हाँ, पिता पर पूत, घोड़े पे घोड़ा, बहुते नहीं थे थोड़ा थोड़ा, पंजाबी की कहावत है। हिमाचल पंजाब है, हिमाचल पंजाब एक है। हमने कभी नहीं सोचा कि हिमाचल के लोग पंजाब से बाहर हैं। पंजाब हिमाचल का हिस्सा है और हिमाचल पंजाब का हिस्सा है। यहाँ के लोग इतने भोले भाले हैं, मैं रास्ते में बातें करता आ रहा था, मैं क्या हिमाचल की जनता में कोई खोट नहीं है, कोई धोखा नहीं है। अपने मन को उनको लगता है कि सीमित चीजों से अपना जीवन स्वस्थ रखना है, बात करनी है, सच बोलना है, ऐसे लोग हैं। आपके बीच में सेवा कर रहा है, आगे भी करेगा। मैं ये भगवान से और आप लोगों से अपेक्षा करता हूं, और आप राणा परिवार को हमेशा हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे। मैं तो खुद चाहता हूं ऑल इंडिया अध्यक्ष तो हो, और एक साल हूं, छह महीने हूं, आपस में रिश्ता, आपस के नाते, जिंदगी भर के नाते एक दूसरे से बने रहते हैं। और पंजाब में वैसे तो आपको जरूरत नहीं, आपके यहाँ पर ही बहुत बड़े नेता हैं, टिक्का साहब और राणा साहब, हमारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं। लेकिन कभी पड़े तो पंजाब में चिंता मत करना कि यहां राज नहीं है, ये बगल से आपका राज पंजाब से शुरू हो जाता है। चिंता मत करना, कोई भी काम हो, किसी प्रकार का हो, कोई भी हो, आपको कभी जरूरत पड़े तो आपके छोटे भाई को याद कर लेना, इन दोनों से नंबर लेकर, मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। ज्यादा बोल गया दिल तो करता था और भी आधा घंटा आपसे बातचीत करूं, लेकिन दोनों हमारे एमएलए साहबान ने, मेरे को लगता है, अपना ये विधानसभा छोड़कर आज यहां पर पहुंचे। आज पहला दिन है तो इन्होंने भी विधानसभा अटेंड करनी होगी, और फिर किसी दिन दोबारा फिर 2019 में दोबारा मुलाकात करेंगे इसी गांधी चौक पर, फिर दोबारा फतेह करेंगे। और कांग्रेस पार्टी की चारों सीट इस बार जुमले वालों से और मित्रों से बचाना है। अगर मगेम्बो को और मित्रों को घर बिठाना है और मगेम्बो को कहीं और देखना चाहते हो, जहां आपकी इच्छा है, जहां पर मगेम्बो ने कई लोगों को बचाने का काम किया है, अगर मगेम्बो को वहां भेजना चाहते हो, तो इस बार आपको पार्लियामेंट के अंदर चारों की चारों सीटों पर कांग्रेस पार्टी का परचम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वो गांधी परिवार जिसके दादी ने बलिदान दिया हो, जिसके बाप ने बलिदान दिया हो, जिसकी मां ने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ी हो, और जिसने आज उन्होंने कहा कि मेरे बाप के कातिलों को भी मैं माफ करता हूं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने, वो गांधी परिवार का ये मित्र और ये भाजपा सरकार कभी मुकाबला नहीं कर सकती। अगर राहुल गांधी चाहते तो आज से नौ साल पहले इस देश के प्रधानमंत्री बन चुके होते, जब मनमोहन सिंह ये कहता था कि आओ आप प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालो। मां प्रधानमंत्री बनाने वाली थी, लेकिन मां ने कहा कि नहीं, और बेटे ने कहा अभी मेरे को देश को जानना है, मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जितनी देर इस देश के लोगों को, गरीबों को, किसानों को, व्यापारियों को, मजदूरों को जान नहीं लेता, उतनी देर
मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। वो राहुल गांधी जिनको प्रधानमंत्री की कुर्सी की लालसा नहीं है, जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी जवाहरलाल नेहरू के समय से उनके घर में देखी है, कई प्रधानमंत्री उन्होंने बनाए, कई प्रधानमंत्री की उनके घर से गए, उनके मन में भावना है। मैंने कई बार कहा, मैं हर दसवें दिन मिलने का अवसर राहुल गांधी को मिलता है मेरे को। मैंने कहा, कभी आप भी हिंदू मुस्लिम की बात कराओ, कभी आप भी धर्म की बात करो। उन्होंने मेरे को कहा कि राजा मैं मर सकता हूं, गांधी परिवार मर सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन इस देश को बांटने का काम एक प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए राहुल गांधी नहीं कर सकता। एक दिन आएगा, क्योंकि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। समय था, नरेंद्र मोदी ने झूठ बोले, मंच पे चढ़ा, इधर उधर टीवी ने दिखाया, टीवियों को करोड़ों रुपया दिया, उद्योगपतियों ने पैसा दिया टीवी को, डेढ़ डेढ़ घंटा नरेंद्र मोदी का झूठा भाषण टीवी पे दिखाते थे। तो आज वो सत्ता सरकार में काबज हो गए। आया है सच का समय, आया है। लोग कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी झूठा है, रोज व्हाट्सएप पे आता है, रोज सोशल मीडिया पे टेलीफोन पे आता है कि नरेंद्र मोदी से झूठा व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है। वो आएगा, एक दिन समय आएगा, 2019 का दिन वो आएगा कि कांग्रेस पार्टी दोबारा बहुमत में सत्ता सरकार आने वाले दिनों में राहुल गांधी के नेतृत्व में बनाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद राणा साहब, की जनता आपको जिताने का काम करेगी। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी भी तो यहीं पे मैं अपनी बाड़ी को खड़ा।